अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वाकफियत आमा जनरल नॉलेज जमात सोम सफ़ा नंबर 4। प्यारे बच्चों, जो हमने बाब 1 पढ़ा है उसी के ही अहम नुकात हम दोहराई करेंगे। ज़मीन अपने महवर में मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश करती है। प्यारे बच्चों, आप पिक में देख सकते हैं, ज़मीन अपने महवर में मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश कर रही है। सेकंड पॉइंट, ज़मीन की अपने महवर में गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ज़मीन की अपने महवर में गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। ये देखें, जो हिस्सा सूरज के सामने है वो रोशन है और जो सूरज के सामने नहीं है वहाँ तारीकी है, यानी रात है। जी प्यारे बच्चों, तीसरा नुक्ता क्या है? सूरज मशरिक से तलू और मगरिब में गरूब होता है। जी, सूरज मशरिक से तलू और मगरिब में गरूब होता है। चौथा नुक्ता है, बुनियादी समते 4 हैं, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब। जी प्यारे बच्चों, बुनियादी समते कितनी हैं? बुनियादी समते 4 हैं, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब। जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो साया बनता है। साया रोशनी की मुखालिफ समत में बनता है। साए का साइज दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है। प्यारे बच्चों, आप पिक में देख सकते हैं, जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो साया बनता है। साया रोशनी की मुखालिफ समत में बनता है और साए का साइज दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है। जैसा कि सुबह और शाम में साया लंबा और दोपहर में साया छोटा होता है।